अंजले ऐ अंजले अंजले ऐ अंजले मैं तुम दोस्तों बंदर धरती के सबसे अनोखे जीवों में से एक है, क्योंकि हर दिन ये कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिनको देखकर सबके चेहरे पर हंसी आई जाती है। और आज हम भी आपके लिए बंदरों से जुड़ी कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स लेकर आए हैं जिनको देखकर आप भी हंस-हंसकर पागल हो जाएंगी। तो चलिए फिर बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। सबसे पहले इस वीडियो में एक बंदर बकरी की पीठ पर सवार हो जाता है और फ्री में राइड करने लगता है, जैसे मानो यहाँ पर इस बंदर के बाप का ही राज हो। लेकिन ये बंदर यहाँ पर ही नहीं रुका, क्योंकि इसके बाद भी इसने उल्टी सीधी कुरापाते करना शुरू कर दी। और साथ में ये शरारती बंदर बकरी की पीठ पर बैठे हुए दूसरे छोटे बकरे की पूंछ भी खींचने लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप साफ तौर पर देख ही सकते हैं कि बकरी के भागने के बाद भी ये बंदर नीचे नहीं उतरता है और चिपक कर इसकी पीठ पर ही बैठे रहता है। वाकई में जो भी हो, इस बंदर ने तो मौज ही कर दी। अब अगली इस वीडियो को देखिए जहाँ पर ये बंदर काफी देर से इस चिकन के सामने उछल उछल कर नाच रहा है। अब यहाँ पर इस बंदर के डांस करने का कारण क्या है, इस बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन बंदर जिस तरह नाच रहा है वाकई में काफी कमाल का लग रहा है। दोस्तों बंदर का ये डांस हमें और आपको शायद पसंद आ रहा होगा, लेकिन सामने वाले चिकन को इसका ये डांस कतई पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने थोड़ी देर बाद इस बंदर के डांस से परेशान होकर इसे यहाँ से भगा दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बंदरों की टोली के बीच में एक केकड़ा फंस जाता है और केकड़े को देखते ही सभी बंदर हरकत में आ जाते हैं, क्योंकि ये सभी बंदर बारी बारी से इस केकड़े को छेड़ने लग जाते हैं और इस दौरान ये केकड़ा भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अब इन बंदरों की टोली को कौन समझाए कि वो कोई एलियन नहीं बल्कि एक केकड़ा है। ये बंदर भाई साहब अपने हाथ में एक बलून पकड़ के उसे अपने दांतों से काटने की कोशिश कर रहे थे और ये अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन इनके लिए दुख की बात यह रहती है कि इनका जो बलून होता है वो कहीं गायब हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग तो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बलून का फूटने के बाद क्या होता है, पर इस बंदर को तो ये जादू से कम नहीं लग रहा है और इसी वजह से ये बेचारा अपने हाथों में उसे ढूंढ रहा है। देखिए इस बंदर को जो कैसे इस कुत्ते से अपनी इज्जत बचा रहा है। अरे भाई जब इतनी शर्म आ रही थी तो पैंट ही पहन लेता। यहाँ पर ये बंदर इस शख्स से जल्दी से केला छीनकर खाने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान ये कुछ ज्यादा ही फुर्ती दिखा देता है और वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, और कुछ ऐसा यहाँ पर भी होता है, क्योंकि बंदर के हाथ में केला बिल्कुल भी नहीं लगता है और पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। दोस्तों ये बंदर एक कोका कोला की बोतल को पकड़ के उसे गटकने में जुटा हुआ था, लेकिन इस दौरान इसके सामने एक दूसरा बंदर भी था जो भी अपनी हिस्सेदारी मांग रहा था, पर यहाँ पर शायद ये बंदर उसके साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं था और इसी वजह से वो बंदर एक तरकीब लगाता है। और जो ही पहले वाला बंदर कोका कोला को पीने की कोशिश करता है तो दूसरे वाला बंदर उसे पीछे से पकड़ के उल्टा कर देता है, जिसके चलते सारा का सारा कोका कोला नीचे एक गड्ढे में आकर गिर जाता है और बेचारा पहले वाला बंदर तो कोका कोला को ढूंढता ही रह जाता है। और इसी बीच फायदा उठाकर गड्ढे में भरे हुए कोका कोला को दूसरे वाला बंदर गटक जाता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा बंदर एक बड़े से ओरंगटान के मुंह से खाना छीनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जनाब को अपनी इस गलती की सजा तुरंत ही मिल जाती है, क्योंकि ये बड़ा सा ओरंगटान उसे पकड़ के अच्छा खासा सबक सिखा देता है। अब हमें नहीं लगता कि कभी ये बंदर दोबारा किसी ओरंगटान से पंगा भी लेगा। दोस्तों जब ओरंगुटान की बात हो रही है तो जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए, जिसमें घूमने गए एक टूरिस्ट का चश्मा एक ओरंगुटान के बाड़ी में गिर जाता है, और जो ही बाड़ी के अंदर चश्मा गिरता है तो तुरंत ही ओरंगुटान वहां पर आ जाता है और उस चश्मे को उठाकर लगाने की कोशिश भी करता है। और इस दौरान इस ओरंगुटान को चश्मे को लगाने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि एक दो प्रयास के बाद ही ये बड़ी आसानी से चश्मे को अच्छे से लगा भी लेता है। दोस्तों वैसे आपके समझदार ओरंगुटान पे क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस गाड़ी का मालिक अपनी कार के शीशे बंद करके जाना भूल जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर यहाँ पर कुछ बंदर आ जाते हैं और फिर आने के बाद बिना किसी रोक टोक के सीधा कार के अंदर घुस जाते हैं
और कार के अंदर पड़े सारे खाने को उठाकर बाहर आ जाते हैं। वैसे दोस्तों कोका कोला पीने में ये बंदर भी काफी आगे हैं, जो कि सबसे पहले तो पता नहीं कहां से एक कोका कोला की बोतल ले आता है और फिर बड़े इत्मीनान से आकर एक दीवार पर बैठ जाता है और कोका कोला की घुटक खींचने लगता है। पर शायद यहाँ पर इस बंदर को कोका कोला का स्वाद अच्छा नहीं लगा और इसी वजह से एक दो घूंट पीने के बाद ये कोका कोला की बोतल को नीचे गिरा देता है। अगली वीडियो में एक कुत्ता बंदर के सामने आकर उबासी लेने लगता है, लेकिन इसकी उबासी की वजह से सामने वाला बंदर परेशान हो जाता है और कुत्ते को यहाँ से जाने की चेतावनी देता है। लेकिन यहाँ पर कुत्ते भाई साहब भी सीधे तौर पर कहाँ जाने वाले थे, इन्हें भी कुछ करने की चुल मची थी और इसी वजह से कुत्ते की हरकत के चलते यहाँ पर बंदर का पारा चढ़ जाता है और जिसके बाद वो अपने पास में पड़ी लकड़ी उठा लेता है और फिर कुत्ते के सिर पर एक जोरदार चोट मार देता है। लेकिन दोस्तों जो भी हो, अब इस कुत्ते की अकल ठिकाने अच्छे से लगी गई होगी। यहाँ पर एक कुत्ता बंदर के खाने को चुरा कर खाने लगता है, जिस पर पहले तो ये बंदर इस कुत्ते को कुछ नहीं करता है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाने लगता है तो फिर बंदर अपना कमाल दिखाता है और फिर अपने स्किल के दम पर पिछले पैरों की मदद से खाने के बर्तन को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन भाई साहब अब यहाँ पर इस बंदर को गुस्सा आ चुका था और इसी वजह से अब ये कुत्ते को सबक सिखाने पर भी उतर आता है और पहले तो कुत्ते के मुंह पर लगातार थप्पड़ों की बरसात करता है, लेकिन जब इसके बाद भी इसका मन नहीं भरता है तो फिर ये अपने आसपास पड़ी पॉलीथीन को उठाकर कुत्ते के ऊपर फेंकने लग जाता है। हालांकि यहाँ पर पॉलीथीन फेंकने के बाद भी इस बंदर का गुस्सा शांत नहीं होता है और ये लगातार कुत्ते को सबक सिखाते रहता है। अब जो भी हो, इस कुत्ते को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि आज इसने बहुत गलत जगह पंगा लिया है। अब जरा इस शरारती बंदर को भी देख लीजिए, जो कि काफी देर से इन टाइगर के बच्चों को परेशान कर रहा है और बार बार पेड़ की टहनी से लटक कर इनके कभी कान खींचता है तो कभी पूंछ या फिर कभी अन्य पार्ट को छूता है। हालांकि इस दौरान इससे ये टाइगर के बच्चे भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसी वजह से ये काफी बार इसे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये फुर्तीला बंदर लगातार इनसे बचते रहता है और अपनी हरकत को भी लगातार जारी रखता है। मतलब आप देख ही सकते हैं कि मौका पड़ने पर बंदर टाइगर जैसे खतरनाक जानवर को भी परेशान करने से पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों हो सकता है आज की वीडियो में से आपने कुछ वीडियोस पहले भी देखी हो, लेकिन हम आपको बता दें, जिस वीडियो में आपने इन वीडियोस को देखा है उसको दरअसल YouTube ने डिलीट कर दिया था और इसी वजह से हमने आपको कुछ बेहतरीन वीडियो क्लिप्स फिर से दिखा दिया। खैर जो भी हो, आशा करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।